हेलो एवरीवन सर, काफ़ी सारे स्टूडेंट का ये बहुत ही बड़ा कंसर्न है रिगार्डिंग द एनटीए एंड दस लाइक पिटारो की दुकान है स्कैमर्स की एनटीए राइट। एंड यार ये एक बड़ा कंसर्न है रिगार्डिंग द स्टेट्स के, जैसे कि अगर अपन सीयूईटी पीजी के एप्लीकेशन फॉर्म की बात करें तो जैसे हम स्टेट अपना जो चेंज करना चाहते हैं, क्योंकि जो है हमने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था उस टाइम पे बच्चे कहाँ पे थे राइट, सारे के सारे बच्चे पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, पढ़ाई करते हैं, कोई वेस्ट बंगाल में रहता है, कोई दिल्ली शिफ्ट हो गया, कोई किसकी प्रिपरेशन कर रहा है, किसी के एग्जामिनेशन चल रहे हैं, किसी के सेमेस्टर एग्जाम्स चल रहे हैं। तो यार जो बच्चा राजस्थान में कोई कोटा में रह रहा है, कोई वेस्ट बंगाल में रह रहा है, कोई हिमाचल में रह रहा है, ऑलमोस्ट बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो कि बिहार से बिलोंग करते हैं, इन दिस जो पिछला जो महीना था हो सकता है वो बिहार में रह रहे हो, अब जो है वो अपना स्टेट चेंज करना चाहते हैं कि भैया हम दिल्ली में शिफ्ट हो चुके हैं, हमें जो है दिल्ली में अपना सेंटर करना है, हमें गुरुग्राम में अपना सेंटर करना है। लेकिन जैसे ही हम सीयूईटी पीजी के फॉर्म के अंदर जाते हैं तो वहाँ पे जैसे हम अपना स्टेट सेलेक्ट करना चाहते हैं तो वहाँ पे जो हमें तीन स्टेट सिर्फ शो कर रहे हैं, ठीक है। जैसे मैं बिहार में जाता हूँ तो मेरे को बिहार के आसपास के तीन स्टेट दिखते हैं, जैसे कि वेस्ट बंगाल हो गया, झारखंड हो गया और बिहार हो गया। मैं अगर दिल्ली भी सेलेक्ट करना चाहूँ देन नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। जैसे कोई स्टूडेंट वेस्ट बंगाल से है तो उसको जो है त्रिपुरा, जो तिरुवनंतपुरम, ठीक है, तेलंगाना, इधर साइड के दिख रहे हैं राइट। स्पेशली अगर कोई दिल्ली का स्टूडेंट है राइट, या पर राजस्थान का है, दिल्ली में रह रहा है, तो उसको अब दिल्ली में अपना सेंटर चेंज करना है, जो एग्जामिनेशन है वो दिल्ली में देना है, लेकिन ऐसा वो नहीं कर पा रहा राइट। तो इसके लिए हमें क्या करना है? अब यार ये तो पॉसिबल है नहीं कि हम एक एग्ज़ाम के लिए जो है दिल्ली से कहीं पे चले जाएं या फिर तिरुवनंतपुरम चले जाएं। दिस इज़ वेरी बैड कंडीशन स्पेशली स्टूडेंट के लिए। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिनके सेमेस्टर एग्जामिनेशन चल रहे हैं, तो उनका या तो सेमेस्टर एग्जाम छूट जाएगा या फिर सीयूईटी छूट जाएगा राइट। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं यार, जितना भी हुआ है जस्ट लाइक हमें सबको पता है कि रूल्स जो हमारी हेल्प के लिए बने गए हैं, तो मैं एक नीचे ईमेल आईडी दे रहा हूँ, जो भी हमारा कंसर्न है सारा का सारा एनटीए के ऊपर बमबारी कर दो ईमेल के अंदर, जो भी प्रॉब्लम्स है सारे के सारे स्टूडेंट लिख के डालेंगे। वैसे पहले भी हमने बहुत सारे ईमेल डाले हैं, बहुत सारी बार एनटीए ने जो अपना डिसीजन है उसको चेंज भी किया है, ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म को एक्सटेंड भी किया है बहुत बार, जो है अकॉर्डिंग टू रिक्वेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो है एक्सटेंड भी कराया है, ठीक है, तीन बार सीयूईटी के फॉर्म को एक्सटेंड करा दिया गया, आप सभी को बताएं, ठीक है। तो जस्ट जो है एप्लीकेशन फॉर्म का जो स्टेट वाला जो इश्यू है इसको भी सोल्व कराया जाएगा। एंड हालांकि जो है एनटीए ने पहले ये गाइडलाइन में नहीं कहा था कि जो आप अपना स्टेट चेंज नहीं कर पाएंगे, साफ साफ मेंशन था कि आप करेक्शन कर पाएंगे इन द पर्टिकुलर फॉर्म। तो जो है स्टेट में भी हमें करेक्शन चाहिए और हम भी स्टेट में करेक्शन करना चाहते हैं और एनटीए को जो है ये करेक्शन करना पड़ेगा। तो जितने भी स्टूडेंट हो, एक एक बार नहीं, दो दो बार नहीं, पांच पांच बार नहीं, ग्यारह ग्यारह बार सभी लोग ईमेल डालेंगे, यानी कि एक ईमेल को कॉपी करेंगे, या तो आप अपनी 11 ईमेल आईडी से डालिए, अपने घर वालों से डलवाइए, अपने रिश्तेदारों से डलवाइए। एक स्टूडेंट ट्राई करेगा कि कम से कम 11 ईमेल से सेम सब्जेक्ट जो है डालेंगे। फॉर्मेट हो सकता है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँ क्या डालना है, रिगार्डिंग द सीयूईटी पीजी एप्लीकेशन फॉर्म चेंजिंग द स्टेट राइट। सो ये फॉर्मेट लिख के आपका जो भी कंसर्न है, जिन स्टूडेंट का नहीं भी है, नहीं भी चेंज करना, वो भी डाल दियो यार, जो स्टूडेंट करना चाहते हैं उनका कुछ भला हो जाए राइट। सो जस्ट आप उसमें डाल सकते हैं कि भैया हमारा ये कंसर्न है, हम जो है इस स्टेट में रहते थे पहले, ड्यू टू एग्जामिनेशन एंड स्टडी इश्यू हम दिल्ली में रह रहे हैं, हमारा स्टेट दिल्ली चेंज करना चाहते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर ऐसा नहीं आ रहा राइट। अगर यार मेरे को तीन स्टेट मेरी चॉइस वाले मिल जाएं तो ये ठीक है, लेकिन मैं अगर बिहार में रह रहा हूँ, मेरे को तिरुवनंतपुरम तेलंगाना मिल रहा है तो काफ़ी गलत है ना। दिल्ली मिलना चाहिए, राजस्थान मिलना चाहिए, गुरुग्राम मिलना चाहिए, हरियाणा मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा मैं नहीं कर पा रहा, तो ये काफ़ी गलत है मेरे साथ। और जस्ट इसका सॉल्यूशन मिलना चाहिए स्टूडेंट को। आज 21 हो चुकी है, कल 22 लास्ट है, तो आप बमबारी करो एनटीए पे, ठीक है, बमबारी ईमेल पे करनी है, बम ब्लास्ट नहीं करना है, ठीक है। तो जस्ट और भी आपका कोई कंसर्न हो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ठीक है, थैंक यू।